जिंदा दिली उम्र की मोहताज नहीं होती। उम्र 80 की हो या 50 की, कुछ लोग मस्त जीवन जीते हैं। इस उम्र में भी ऐसे लोगों का वजन बढ़ता है। ऐसे लोगों के मस्तिष्क में डिमेंशिया कारक परिस्थितियां हो तो भी इन्हें यह गंभीर बीमारी छू भी नहीं पाती है। इस बात ने विशेषज्ञों को हैरत में डाल रखा है। शिकागो की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में 80 से 100 साल के सुपर एजर्स पर हाल ही में शोध किया गया। ज्ञान संबंधी यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर एमिली रोगालस्की का कहना है कि उम्र के इस दौर में भी जिंदा दिल रहने वाले लोगों का मस्तिष्क चमत्कारिक रूप से काम करता है। कई मामलों में तो इनका मस्तिष्क 50 साल के लोगों से भी बेहतर होता है। सकारात्मक 80 से 100 साल के सुपर एजर्स पर हाल ही में शोध किया गया। इस उम्र में भी जिंदा दिल लोगों के मस्तिष्क में चमत्कारिक शक्ति होती है। एमिली की अगुवाई में हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने देखा कि इस उम्र में सक्रिय लोगों के मस्तिष्क में वॉन इकोनोमी न्यूरॉन अधिक मात्रा में पाया जाता है। उनका कहना है कि इन न्यूरॉन की वजह से दिमाग विभिन्न हिस्सों में बेहतर तालमेल होता है। शिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म और बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार लोगों में यह न्यूरॉन सक्रिय नहीं होता है। इसके अलावा जीवन के प्रति इनका सकारात्मक नजरिया, सक्रियता और सामाजिक व्यवहार भी बहुत असर डालता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ऐसा नहीं है कि इनमें डिमेंशिया के प्रति अवरोध उत्पन्न करने वाला APOE22 जीन मौजूद था, मगर जीवन के प्रति इनका नजरिया औरों के मुकाबले सकारात्मक था। इन्हें अपने करीबियों और परिवारजनों की अधिक फिक्र थी। इनके इस नजरिए का खानपान से कोई संबंध नहीं था। एमिली ने रविवार को अपने शोध के नतीजे पेश किए। उन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस को ऑस्टिन में बताया कि जीवन शैली और नजरिया ढलती उम्र में व्यक्ति की याददाश्त बरकरार रखने में अहम होता है।